डू नॉट शेव, डू नॉट शेव, डू नॉट शेव. कभी ऐसा हुआ है कि जब हम दूसरों को अंडरआर्म्स देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इसके अंडरआर्म्स कितने ब्यूटीफुल हैं एंड इट मैचेस हर स्किन टोन. हम ऐसे सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं लाइक प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, जैकलीन फर्नांडिस. सो इन टुडेज वीडियो यू आर गोइंग टू बी माई लिटिल सिस्टर इवन इफ यू आर ओल्डर देन मी. सो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो सीखी हूँ उसके थ्रू आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अपने पिगमेंटेशन को कैसे कम कर सकते हैं, अपने अंडरआर्म ऑर्डर को कैसे कम कर सकते हैं एंड अपना हेयर रिमूवल प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं जो आपको यू नो बेटर रिजल्ट्स देगा ताकि आप आपका फेवरेट स्लीवलेस कपड़ा पहन सको ओपनली विदाउट एनी एम्बैरेसमेंट. आई लिटरली हैव अ होल लिस्ट फॉर यू गाइस. तो जो भी मैं इसमें प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ ना, जरूरत नहीं है कि आप सेम एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट्स यूज करो. यू कैन यूज अदर सब्स्टिट्यूट्स एंड द रूल नंबर वन इज डू नॉट शेव. मैं बहुत टाइम से आई वॉज शेविंग माई अंडरआर्म्स एंड जब मैंने वैक्सिंग करना स्टार्ट किया आई रियलाइज The difference, it's huge. Like it's huge difference. क्या होता है ना, when you shave your underarms, तो आपकी skin, you know, it sticks to your body, ठीक है? तो जब आपकी skin ऐसे collide करती है एक दूसरे से, so the hair friction इससे क्या होता है, micro tears बनते हैं, you know, when you walk, when you run, so that causes the darkness. So उससे आपका skin में बहुत darkness आ सकता है, so don't shave. आप सिर्फ तभी शेव कर सकते हो जब आपके बहुत ज्यादा थिन हेयर है एंड आपको डार्कनेस की कोई इशू ही नहीं होती है. यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. यू कैन ऑब्वियसली वैक्स कर सकते हो एंड यू कैन एपिलेट. वैक्स मैं पहले करती थी, इट इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट, बट वट आई एक्चुअली डू इज आई एपिलेट माई अंडरआर्म्स. आई जस्ट गॉट दिस डिवाइस फॉर यू टू सी. सो दिस इज दैट डिवाइस. इट इज अवेलेबल इन अमेजोन फॉर अराउंड 3000 रुपीज, इसके आस पास ही है. मैंने अपनी सेविंग्स को बचा के आई गॉट दिस एंड इट्स टोटली वर्थ इट. वैक्सिंग तो आप भूल ही जाओगे करना, थोड़ा सा पेन होगा बट यू नो आपको इसको चार्जिंग पे लगाना होता है एंड देन यू कैन जस्ट यू नो डू वट एवर यू वॉन्ट एंड इट्स ईजी. एंड मेरे को तो अभी फिलहाल पेन फ्री लगता है. स्टार्टिंग में इट यूज टू पेन अलॉट एंड इफ यू कांट अफोर्ड दिस इट्स ओके, यू कैन कंप्लीटली स्विच टू वैक्सिंग. वैक्सिंग द बेस्ट. एंड डोंट एवर पुट हेयर रिमूवल क्रीम्स ऑन योर अंडरआर्म्स. भाई बहुत ज़्यादा डार्कनिंग हो सकती है, पिगमेंटेशन और बढ़ जाती है. मैंने किया है एंड काफ़ी टाइम तक किया है, इसकी वजह से ही आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन. सो डोंट एवर डू दैट नो मैटर हाउ मच दे क्लेम कि भाई इससे डार्कनिंग नहीं होती है. यू ऑल नो द ब्रांड्स, लाइक मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ बट आई एम स्ट्रेट अवे मैं तो भाई नहीं यूज़ करती. एंड द लास्ट ऑप्शन इज लेज़र. अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं तो भाई आई कांट अफोर्ड दैट अभी फिलहाल. So if you can afford, it's the best option. If you see a girl who has a lot of armpit hair, do not ever tell them what to do. ठीक है? It's their choice. अगर उनको लगता है उनको अंडरआर्म हेयर रखने हैं, let them do it. Rule number two, guys, use a body scrub. Body scrub से मेरा कहने का मतलब है या तो आप लूफा का इस्तेमाल करो या तो बॉडी स्क्रबिंग ग्लव्स का इस्तेमाल करो जब आप नहाते हो ना. सो जस्ट रब इट ऑल, जितना भी यू नो है सब कुछ उसको रब रब करके निकालो. जितना भी पसीना, जितना भी डर्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है ना, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट. एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ स्क्रब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड मैं क्या करती हूँ, आई यूज डव एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश फॉर माई अंडरआर्म्स ट्वाइस अ वीक. और आई वुड जस्ट एक एल्स गुडनेस का एक पाउडर आता है, आई वुड जस्ट यू नो वेट माई अंडरआर्म्स एंड देन उसको थोड़ा पाउडरी करके आई जस्ट कीप इट देयर. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द पिगमेंटेशन. आई फील दैट वे. नाउ दिस इज समथिंग जो मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ. जैसे हम अपने फेस को एक्सफोलिएट करते हैं ना विद केमिकल पीलिंग सोल्यूशंस, I chemical peel my underarm. I don't know, I saw this in a TikTok video and I could not resist myself and I tried it. It works. Again, ये थोड़ा costlier side में आ जाता है. It's around 500 rupees, but it works magic. Like ये क्या करता है, आपकी skin से ना एक layer को हटा देता है. If you know what a chemical peel is, आपकी skin से एक layer को हटा देता है, thin layer को हटा देता है and आपकी जो new skin आ रही है ना बहुत ग्लोइंग दिखती है, बहुत चमकती दमकती दिखती है. सो इफ इट वर्क्स ऑन माई फेस आई थिंक इट वर्क्स ऑन माई अंडरआर्म्स. इट हैज वर्क्ड, आई कैन से दैट. नेक्स्ट मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है
ऑल यू हैव टू डू इज आप थोड़ा सा टर्मरिक लो, उसमें आप कच्चा दूध डालो एंड देन उसको मिला के एक पेस्ट बना लो। आप इसको अपने अंडरआर्म्स में लगाओ एंड अच्छे से रब करो। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो टर्मरिक होता है वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। आप इसको अपने अंडरआर्म्स में लगाओ एंड 10 टू 15 मिनट्स में इसको वॉश ऑफ कर दो। सो हाइपरपिगमेंटेशन एंड डार्कनेस हटाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है अल्फा आर्बिटन। मैं यहाँ पे मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्बिटन यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको नहाने के बाद इसको अप्लाई करती हूँ अपने अंडरआर्म्स में और रात में इसको लगा के सो जाती हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई पुट ऑन माय अंडरआर्म्स। फॉर इंस्टेंस, जैसे आप परफ्यूम्स लगाते हो, मैं अंडरआर्म्स में कोई परफ्यूम स्प्रे नहीं करती, बट जिस भी परफ्यूम में अल्कोहल है ना, वो तो बिल्कुल भी मत खरीदना और लगाना। आप जब भी परफ्यूम खरीदो ना, जस्ट लुक एट द डिस्क्रिप्शन, अगर उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है ना। मेरी एक फ्रेंड है, विल गेट बैक, वो बचपन से लेके आज तक अंडरआर्म्स में डायरेक्टली वो परफ्यूम अप्लाई कर रही है। आई कैन सी दैट कि उसके अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं कंपेयरिंग टू द रेस्ट ऑफ अ बॉडी, एंड उसकी फैमिली में किसी को भी ऐसा नहीं है। शी टेल्स मी दैट, and I think this is because of that perfume. Anyway, so what can we do? aisa underarm roll on lo ya perfume lo jo jisme you know alcohol na ho. main kya karti hu, main wo use karti hu, underarm roll on use karti hu jisme alcohol na ho lekin wo moisturizing bhi ho. let me show you. so this is divya's dio milk sensitive beauty elixir. isme 0% alcohol hai and ethyl alcohol 0% hai. That means it is alcohol free and you guys, it smells so good and it's very very moisturizing. Not a sponsored video, ठीक है? And then I use this plum cup. I made a video जिसमें plum की products को review कर रही थी, उसमें I got this. This is good. It is moisturizing and dark नहीं करता and maintains to you know आपके odor को, it cuts down. About the antiperspirants जो market में होते हैं, guys don't buy that. मैंने खरीदा है, अच्छा भी लगा starting में, यार पसीना नहीं आता, but in the long run you are supposed to have sweat, because you have sweat glands, you can't just stop it. उससे और दिक्कत हो जाएगी भाई. So what I will tell you is कुछ ऐसे underarm products खरीदो जो आपकी skin को moisturize करके रखें. एंड स्मेल को रोके नहीं, बट वेन इट मिक्सेस विथ योर स्मेल, इट मेक्स समथिंग गुड. समझ आ रहा है ना क्या कह रही हूँ? बाई समथिंग जो आपके बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करे. एंटीपर्स्पिरेंट, नो 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 नो. नेक्स्ट थिंग इज समथिंग दैट आई हैव नेवर ट्राइड, ग्लाइकोलिक एसिड. ग्लाइकोलिक एसिड मैंने यूज नहीं किया है बिकॉज आई थिंक मैं इतना सब कुछ यूज करती हूँ, सो आई डोंट नीड टू डू दैट. बट देन इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, अगर आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू Never ever wear tight dresses. मैं बचपन में भाई साहब इतने ज़्यादा tight कपड़े पहनती थी, like I thought like it will make me look classy, it will make me look you know sexy, but don't do that to your underarms. It needs to breathe. उसको थोड़ा relax होने दो, let it go with the flow. Sleeveless पहनो, at least घर में sleeveless पहनो, थोड़ा उसको breathe करने दो. कितना उसको बंद रखोगे बेचारे को? No. कुछ पेरेंट्स गर्म अलाउ नहीं करते या फिर आपको ही पहनने का मन नहीं करता. सो यू कैन ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स जो थोड़े लूज हो, लाइक ऐसा नहीं कि आप पूरे उसको बंद ही रख रहे हो. ट्राई करो पॉलिस्टर कपड़े थोड़ा कम पहनो, क्योंकि उसमें ना स्मेल भी ज़्यादा आती है एंड आपका जो बॉडी ना ब्रीद नहीं कर पाता है. सो ट्राई टू अवॉइड दैट, स्पेशली इन दिस ह्यूमिड सीजन, ठीक है? सो या ट्राई दैट. एंड माई लास्ट टिप फॉर यू इज दैट अंडरस्टैंड कि भाई कुछ लोगों के डार्क आर्मपिट्स होते हैं, जेनेटिकली कुछ लोगों के डार्क अंडरआर्म्स होते हैं. इट्स नॉट परफेक्टली हाउ इट्स सपोज टू बी, थोड़ा बहुत डार्कनेस है, इट इज सपोज टू बी देयर, ठीक है? मतलब होता है लोगों का, लेट इट बी देयर. अगर आपको उसको लाइटन करना है, कंसिडर आस्किंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि क्या कर सकते हैं. अगर आप स्क्रबिंग भी कर रहे हो, डोंट एग्रेसिवली स्क्रब एंड मेक इट मोर डार्क, ओके? योर स्किन डज नॉट डिजर्व टू बी पनिश्ड. एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये एक्ट्रेस हीरोइंस
कैसे मतलब उनके इतने लाइट हैं और इतने यू नो साफ हैं. मे बी बिकॉज दे यूज मेकअप. उनके पास लेजर टेक्निक्स है, उनके पास मेकअप है, दे इवन हैव फिल्टर्स. ठीक है, लाइक अगर फेस में जितने लोगों के जो पिंपल्स होते हैं अगर वो उसको हटा सकते हैं तो भाई अंडर आर्म्स में डार्कनेस हटाना तो बहुत ईजी है. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हमारे बॉडी से स्मेल आती है, पसीना है तो स्मेल भी आएगा, पसीने में बैक्टीरिया भी होता है तो उसमें स्मेल और बढ़ जाता है. ये मत सोचो कि हर बॉडी बहुत यू नो साफ सुंदर अच्छी महकेगी. इट्स नॉट दैट. सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब. ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी. बाय.